बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों। तो फिर से आपके लिए ईद रेमडी, समर सीज़न रेमडी, सर्दी गर्मी कभी भी लगा सकते हैं, शादियों पे लगा सकते हैं। होम रेमडी लेकर आई, होम मेड रेमडी, जो कि हर चीज़ आपको घर में ही अवेल होगी। बहुत पावरफुल इनफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाने लगी हूँ। एक बाउल ले लिया है मैंने, आप भी एक बाउल ले लें, शीशे का हो या प्लास्टिक का, स्टील का बाउल या जैसी बर्तन जो होते हैं वो नहीं इस्तेमाल करने और स्टील के भी नहीं इस्तेमाल करने। टेलकम पाउडर कोई भी आपके घर में है, बेबी पाउडर है या कोई भी आप घर में बड़े छोटे इस्तेमाल करते हैं, हर घर में बच्चों वाले घर में पाउडर होता है, आप एक चम्मच ये खाने वाला पाउडर का ले लें। इतना पावरफुल रेमडी है, ये बताती चलूँ। फेस के लिए, हाथ पाँव को भी आपने लगानी है, मैंने भी लगानी है, मगर सबसे पहले बेस्ट रिजल्ट, खूबसूरत चांद जैसा चेहरा चिमकेगा आपका। ये देखो मेरे पास ये कुछ ख़त्म हुआ पड़ा है पाउडर, और बच्चों को मैं इस्तेमाल कराती हूँ, लगाती हूँ, तो नहीं इतना ख़त्म भी नहीं और भी है, समझो कि एक चम्मच मैंने ले लिया। अगर एक दो तीन लोगों के लिए बनानी है, फैमिली है, दो तीन बच्ची हैं घर में, आप हैं बनानी है, तो आप दो चम्मच भी कर सकती हैं। अब अगली चीज़ इसमें क्या डालनी है, ये है बच्चों रोज़ वाटर यानी अरके गुलाब, जो कि हम हमेशा शावर करते रहते हैं फेस पे, हाथों पे। हाँ, अगर आपके पास ये अवेल नहीं है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपने ठंडा फ्रिज से पानी निकालना है, बिल्कुल बर्फ़ नहीं जमी हुई डाल देनी, ठंडा जैसे ठंडा हम पीते हैं उस हालत में ठंडा पानी निकालना, दो चम्मच इसमें डाल देने हैं। अगर रोज़ वाटर है तो और सुभान अल्लाह, रोज़ वाटर भी अपना काम करता है, बहुत ग्लोइंग देता है, चमक देता है आपके फेस पे। अब इस पाउडर को और रोज़ वाटर को मिक्स कर देना है अच्छे तरीके। तो तमाम बहन भाइयों से, बच्चों से, बेटियों से, बेटों से, दोस्तों से रिक्वेस्ट है, बहनों से, मेरे चैनल को मेरा चैनल न्यू है, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें, ताकि अच्छी अच्छी रेमडी, अच्छी अच्छी सच्ची और खरी रेमडी और सस्ते वाली, दावे से कहती हूँ, अगर मेरी रेमडी में कोई इफ़ेक्ट हो, आपको रिज़ल्ट ना दे, तो मेरी गिरेबान पकड़ सकते हैं, मुझे आप कमेंट्स में बुरा भला कह सकते हैं, आपको हक है, लेकिन आजमाने के बाद, ये रेमडी इस्तेमाल करने के बाद। अच्छा जी, दो चीज़ों को मिक्स कर लिया, ये अभी मैंने डाली एलोवेरा जेल, अगर बाज़ार की है तो ठीक है, घर की फ्रेश है तो और भी सुभान अल्लाह। ये देखो मेरी उम्मीद से ज़्यादा निकली, अभी बची पड़ी है, एक चम्मच मैंने, हालांकि कम डालनी थी मगर मैंने एक चम्मच खाने वाला ले लिया है, एक चम्मच खाने वाला, कम ज़्यादा कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये केमिकल तो है नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, घरेलू रेमडी है। इसको अच्छे तरीके मिक्स करें, ये थोड़ा थोड़ा ना, जैसे वो दही फट जाती है ऐसे फट जाएगी क्रीम, घबराना नहीं है, ऐसे फटनी चाहिए, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा, पावरफुल रिज़ल्ट आएगा। मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, पाकिस्तान से, आउट ऑफ कंट्री से, अपना नेम पता ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, इसका भी ज़रूर बताइएगा कि ये रेमडी कैसी लगी आपको, आप ज़रूर लगाइएगा, प्लीज़ प्लीज़ ईद के लिए लगाइएगा, और ख़ूबसूरत होने के लिए, बड़े बुज़ुर्ग, नौजवान, बहनें, बेटियाँ, लड़के लड़कियां, एज का कोई इशू नहीं है, किसी एज में भी आप लगा सकते हैं, खूबसूरत होने का हक सबको है। तो ये देखो अच्छे तरीके इसको मैंने मिक्स कर लिया, क्रीमी फॉर्म में बन गई है, ये भी हर किचन में होता है, बेसन जो कि हर टाइम हमारे घर में पकौड़े बनते रहते हैं, दो चम्मच आप बेसन डाल दें इसे। बहरहाल मैं दावे से 100% कहती हूँ, 100% रिज़ल्ट है इसका रेमडी का, अपना खूबसूरत फेस बनाएं, खूबसूरत चेहरा बनाएं, ग्लोइंग लाएं, जो ये
हाँ बेसन काम करता है ना, यकीन जाने बेसन ऐसी चीज़ है ना, ऐसी प्रॉपर्टी है इसमें ना, आप सोच नहीं सकते। बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लाता है, चमक लाता है, शैन लाता है बेसन। बहुत खूबसूरत चीज़ है बेसन। आप इस्तेमाल खाली बेसन का भी यकीन जाने पानी डाल के रोज़ाना करते रहें तो 6 दिन बाद लोग पूछेंगे कि क्या लगा रहे हो। गारंटी से कह रही हूँ, खाली बेसन में पानी डालें, उसे हल्का सा क्रीमी फॉर्म में ले आएँ, सादा पानी, कुछ ना डालें, कुछ आपके पास नहीं है तो। और उससे 10-15 मिनट अपने फेस पे मल दें, छोड़ दें, 10-15 मिनट के बाद फेस धो लें, हाथ पांव भी धो लें, और लोग आपसे ठहर के पूछेंगे क्या लगा रहे हो। फिर कह रही हूँ रोज़ वाटर नहीं है तो आप ठंडा पानी डाल सकते हैं। मेरे पास था, मैंने डाल दिया 2 चम्मच, मैंने और डाल दिए क्योंकि इसको क्रीमी फॉर्म में ले आना है। ये देखो ये क्रीमी फॉर्म में बिल्कुल हमारा लोशन सा तैयार हो गया, जैसे क्रीम तैयार होती है। तो अभी बिस्मिल्ला करके शुरू कर दें अपने फेस पे। मैंने भी अभी आपके लिए, आपको बताने के लिए हाथों पे लगा रही हूँ, वरना पहले फेस पे लगाती, हाथों में लगा लूँ फिर मैं फेस पे लगाऊँगी। आप भी अब पहले फेस पे लगा लें फिर हाथों में, हाथ पांव गर्दन फेस पूरे जिस्म पे लगा दें, जिस्म के किसी हिस्से पे लगा सकते हैं। यकीन जाने इतना रिज़ल्ट है इसका, अब मैं दावा करके कहती हूँ आप ये लगाएं और मुझे दुआएं दोगे, मुझे कमेंट्स लिखोगे कि हाँ बाजी वाकई आपने कोई अच्छी चीज़ें बताई। और इंशाल्लाह ऐसे ही सस्ते सस्ते फार्मूले जिसमें बिल्कुल 0 पैसा खर्चा नहीं होगा वही लेकर आया करूँगी, अच्छी अच्छी टिपें लेकर आया करूँगी। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन प्रेस कर दें ताकि सारी मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बरवक़्त मिलती रहे। ये देखो मैंने हल्के हाथों से रगड़ना नहीं है ज़ोर से, 3 मिनट इसे छोड़ दें, मैंने हल्के हाथों से इसे मसाज कर दिया है। और इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना ताकि वो झुर्रियाँ फिर पड़ जाती हैं। अगर ज़्यादा ड्राई नहीं करोगे यकीन जानो उम्र से पहले जो हाथों पे झुर्रियाँ और रिंकल्स ये पड़ जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं फेस पे, इस बेसन की वजह से सारे ख़त्म हो जाएंगे। सॉरी एक क्लिप मुझसे मिस हो गया मैंने, अगर आपकी जल्द ड्राई है तो फिर आप जो है ना, मैंने 2 से 3 ड्राप्स उसके ग्रेसलीन के, 2-3 ड्राप्स मैंने ग्रेसलीन के डाल दिए, आप भी डाल दें। अगर आपकी स्किन जो है ज़्यादा ऑयली है तो फिर आप उसे स्किप कर दें, ना डालें। आपकी स्किन ड्राई है तो डालें। मैंने डाल दिए ग्रेसलीन के 3 से 4 ड्राप्स, मगर मुझसे वो क्लिप सॉरी स्किप हो गया है। तो ये देखो मैंने हाथ धो के आपको दिखा दिए, यकीन जाने मेरे कैमरे का रिज़ल्ट नहीं है, काश के मेरे कैमरे का मोबाइल का रिज़ल्ट होता। इतना मेरे हाथ पाँव वाइट हो चुके हैं, मैं हमेशा यही इस्तेमाल करती हूँ। जब भी हंडिया बनाने लगती हूँ, किचन में आती हूँ, बस उठाया बेसन और शुरू हो गया। हाथों में खाली बेसन भी लगा दें, खाली लेमन लगा दें, नमक लेमन लगा दें, शक्कर और नमक लगा दें, वो भी वीडियो कल आपको दूंगी। और क्या कहते हैं, टमाटर लगा दें, चीनी डाल के टमाटर पे, बहुत ज़्यादा यकीन जाने खूबसूरत चेहरा और हाथ पाँव होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।